हेलो पेरेंट्स, आज मैं आपके सामने एलकेजी मैथ्स की वर्कशीट लेकर आई हूँ। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि मैंने इसको काफ़ी कलरफुल पेन से बनाया है, जिससे कि बच्चा इसको काफ़ी इंटरेस्ट के साथ करेगा। एलकेजी में जो कुछ सिखाया जाता है, मैंने वो सब इसमें स्टेप बाय स्टेप डालने की कोशिश की है। आई होप आपको ये पसंद आए। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें आता है लर्न एंड राइट काउंटिंग 1 to 100। तो बच्चों को सबसे पहले काउंटिंग लर्न कराएं, और वो बच्चों को लिखनी भी आनी चाहिए और याद भी होनी चाहिए। उसके बाद आता है लर्न एंड राइट बैक काउंटिंग 1 to 50। जैसे कि मैंने यहाँ पे काउंटिंग्स के लिए बनाया हुआ है। अब यहाँ पे क्या है कि बैक काउंटिंग जब बच्चों को लर्न हो जाएंगी तो आप उसको इस तरीके से लिखने के लिए दीजिए प्रैक्टिस के लिए। तो जैसे यहाँ पर फिर बच्चा 8, 9 इस तरीके से। बच्चा काउंटिंग करना सीख जाएगा। इससे क्या होगा कि आप एक दिन में एक ही लाइन दीजिए, चाहे आप एक साथ मत दीजिए, क्योंकि बच्चा बहुत जल्दी कंफ्यूज भी हो जाता है। तो आप इसको 1 by 1 दीजिए। एलकेजी के स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग में हम 1 to 20 तक नंबर नेम दिए जाते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख दिए हैं, तो इस तरीके से आप बच्चों को लर्न कराइए नंबर नेम्स। जैसे यहाँ पे मैंने 7 लिखा है, तो यहाँ पे 7 की स्पेलिंग लिखेगा बच्चा। फिर यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ 12 लिखा है, तो 12, 9 और यहाँ पे 14। इस तरीके से आप बच्चों को करने के लिए दीजिए। उसके बाद आता है टिक द स्मॉलर ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस द बिगर ऑब्जेक्ट। क्योंकि मैथ्स में स्मॉलर और बिगर ये सब भी सिखाए जाते हैं, तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे पिक्चर्स ड्रॉ की हैं। तो यहाँ पे बच्चे को आप इस तरीके से करने के लिए दीजिए, जैसे कि स्मॉलर को क्या करना है, उसको टिक करना है, और जो बिगर ऑब्जेक्ट है उसको क्रॉस करना है। तो यहाँ पे बिग ट्री बना हुआ है, अरे कि स्मॉल ट्री बना हुआ है। तो बिग ट्री पे क्या करना है बच्चे को, क्रॉस करना है, तो क्रॉस कर देगा, और स्मॉलर ऑब्जेक्ट को टिक करना है। इस तरीके से यहाँ पे मैंने हट बनाई है, एक बिग हट है और एक स्मॉल हट है। तो इस तरीके से बच्चे को यहाँ पे बिगर को क्या करेगा, वो क्रॉस कर देगा और स्मॉल हट को टिक लगा देगा। नेक्स्ट आता है इसमें सर्कल द लॉन्ग ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस द शॉर्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं, एक लॉन्ग है और एक शॉर्ट है। तो बच्चों को आप इस तरीके की एक्टिविटी दीजिए। तो इसमें आप बच्चा क्या करेगा, लॉन्ग ऑब्जेक्ट को क्या करना है, उसको सर्कल करना है। तो लॉन्ग ऑब्जेक्ट को वो सर्कल कर देगा और शॉर्ट ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर देगा। तो इस तरीके से करने के लिए दीजिए। ऐसे यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पे शॉर्ट ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, क्रॉस कर देगा और लॉन्ग ऑब्जेक्ट को सर्कल कर देगा। नेक्स्ट आता है काउंट एंड राइट। यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स बनाई हैं, बच्चे को आपको इस तरीके से पिक्चर्स ड्रॉ करके देनी है, और बच्चा क्या करेगा फिर उसको काउंट करके लिखेगा। जैसे 1, 2, 3, तो 3 ट्राइंगल्स हैं, तो 3 लिख देगा। 1, 2, 3, 4, 5 स्टार्स, नेक्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से काउंट एंड राइट दीजिए। नेक्स्ट आता है काउंट एंड ऐड। तो बच्चों को इस तरीके से पिक्चर्स बना के दीजिए, तो बच्चा पहले काउंट करेगा और फिर उनको प्लस करेगा। 1, 2, यहाँ पे 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 5। तो बच्चों को इस तरीके से आसानी से लर्न हो जाता है। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से। नेक्स्ट आता है काउंट एंड सब्ट्रैक्ट।
यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी मैंने इसी तरीके से बनाया है जैसे यहाँ पे पिक्चर्स बनाई हैं, इस तरीके से आपको माइनस करने के लिए भी इसी तरीके से सिखाना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 1, 2। तो अब क्या करना है, 4 माइनस 2, तो हम क्या करेंगे इसमें से 2 माइनस कर देंगे, 1, 2, इस तरीके से कराइए। उसके बाद आता है 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, तो यहाँ पे भी 3 क्रॉस कर देगा, 1, 2। नेक्स्ट आता है व्हाट कम्स आफ्टर, तो एलकेजी में व्हाट कम्स आफ्टर, बिफोर, बिटवीन, इस तरीके से भी दिए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको व्हाट कम्स आफ्टर बताती हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने 3 नंबर लिखा है, तो यहाँ पे 3 के बाद क्या आता है, बच्चे यहाँ पर लिखेगा 4, 6 के बाद क्या आता है 7, 10 के बाद क्या आता है 11, 11 के बाद क्या आता है 12, इस तरीके से कराइए। उसके बाद आता है व्हाट कम्स बिफोर, यहाँ पे 9 से पहले क्या आता है, नंबर से पहले जो आएगा वो यहाँ लिखेंगे 8, 13 से पहले 12, 18 से पहले 7, 4 से पहले 3। सेम ऐसे यहाँ पे कराना है व्हाट कम्स बिटवीन, इन दोनों नंबर्स के बीच में नंबर कौन सा आता है। तो जैसे यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 6 लिखा है, तो 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19। नेक्स्ट आता है इसमें लर्न शेप्स नेम, यहाँ पे मैंने शेप्स बनाई हैं कुछ और उनके सामने मैंने उनके नेम्स लिख दिए हैं, और इसमें बच्चे को क्या करने के लिए देना है, आपको मैचिंग देनी है। मैंने क्या किया है, यहाँ पे जिस शेप का कलर है ऑरेंज, तो उसका नाम मैंने उसी कलर से करा है जिससे कि बच्चे को थोड़ा सा स्टार्टिंग में लर्न करने में आसानी हो। तो यहाँ पे मैंने ट्रायंगल का करा है, तो यहाँ पे ट्रायंगल की शेप को वो ऐसे मैच कर देगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, स्क्वायर, तो स्क्वायर को मैच कर देगा। उसके बाद रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, डायमंड, डायमंड, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, और सर्कल, दैट इज सर्कल। तो आप इस तरीके से मैचिंग दीजिए। मैचिंग में क्या है, यहाँ पे बच्चे को स्पेलिंग्स भी याद होंगी और उनके शेप्स को वो आइडेंटिफाई भी कर पाएगा। उसके बाद आता है एडिशन, जैसे अभी मैंने पहले जो बताया था उसमें पिक्चर्स बना के एडिशन करना सिखाया था बच्चों को। उसके बाद यहाँ पे वर्टिकली, कि यहाँ पे पिक्चर्स नहीं है, सिर्फ नंबर्स नंबर्स हैं, तो आप इस तरीके से भी उनको कराइए। तो यहाँ पे क्या है, बच्चे को यहाँ पे या तो वो इस तरीके से काउंट करने के लिए यहाँ पर नंबर्स डाल सकता है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर फिर 2, तो फिर आप इनको इस तरीके से भी सिखाइए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पे 7, ऐसे यहाँ पे 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, फिर इनको काउंट करेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरीके से आप कराइए। नेक्स्ट आता है सब्ट्रैक्शन, सेम ऐसे जैसे मैंने वहाँ पे पिक्चर्स बनाई थी, यहाँ पे वर्टिकली सब्ट्रैक्शन करना है। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पे 7 मैंने लिख दिए। अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से काउंट करके 1, 2, यहाँ पर रिमेनिंग जो होता है यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद आता है नेक्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से बच्चे को माइनस करना आ जाएगा। तो पहले आप पिक्चर्स के साथ सिखाई कराइए, फिर उसके बाद आप इसके सामने स्टिक्स बनवा कर भी सिखा सकते हैं। लास्ट टॉपिक है इसमें लर्न एंड राइट टेबल्स, यहाँ पे मैंने टेबल्स दिए हुए हैं, 1 का टेबल सिखाइए उनको, 2 का सिखाइए, 3 का सिखाइए, और जैसे जैसे ये सीखते जाएंगे टेबल्स आगे भी आप उनको दीजिएगा। स्टार्टिंग में आप इससे ही करना, और मेरी जो प्रीवियस वीडियोज हैं उनमें मैंने टेबल्स भी डाले हुए हैं, आप उनमें भी आप बच्चों को सिखा सकते हैं। और ऐसे ही मैंने उसमें शेप्स के भी डाल रखे हैं, जिसमें कि बच्चों को शेप्स के लिए एनिमेशन के साथ मैंने उसमें वीडियो डाली हुई है। तो
आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इसमें जो वर्कशीट बनाई है मैंने वो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।